हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन रनवे 90। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू बीन्स की सूखी सब्जी, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई हुई। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर बीन्स को कट कर लिया है और मैं आपको एक बार कट करके भी दिखा देती हूँ। तो उसके लिए आपको इसके हेड और एंड को आपको कट करना है और इस तरह से निकाल लेना है। इसी तरह से इसकी टेल भी कट करनी है और उसे भी निकाल देना है। अब छोटे छोटे पीसेस में या थोड़ा बड़ा साइज़ भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, आपको ये बीन्स कट कर लेनी है। और हो ये जो बीन्स हैं आपको अच्छी तरह से वॉश करके सुखाने के बाद कट करनी है, तो जो भी इसमें डस्ट पार्टिकल होंगे वो निकल जाएंगे, लेकिन बीन्स को काटने के बाद आपको इसे वॉश नहीं करना है। और यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने दो मीडियम साइज़ के आलू भी कट कर लिए हैं, उनको भी छोटी सी साइज़ में ही कट किया है। और एक प्याज मैंने यहाँ पर बारीक चॉप कर ली है। तो अब चलते हैं हम सब्जी बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर तेल गरम करना है, तो मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून तेल लिया है सरसों का। उसमें मैं 1/2 टीस्पून कैरम सीड, 1/2 टीस्पून जीरा अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूंगी, अच्छी तरह से भुनने दूंगी, क्योंकि जो कैरम सीड यानी जो अजवाइन है उसका अरोमा बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसमें डालेंगे प्याज और प्याज को भी हमें कलर चेंज होने तक भूनना है। अजवाइन आप इस सब्जी में ज़रूर डालें, उससे इस सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हो चुका है प्याज का। अब इसमें डालेंगे मसाले, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अब इन्हें मिक्स कर लेंगे ताकि हल्दी का जो कच्चापन है वो निकल जाए। अब इसमें डालेंगे बीन्स और अब डालेंगे इसमें आलू। अब आपको इसे 2 मिनट तक फुल फ्लेम पर अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चलाना है। 2 से 3 मिनट फुल फ्लेम के बाद में आपको गैस की फ्लेम स्लो कर देनी है। उसके बाद में आपको इसे ढककर पकाना है कम से कम 10 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम स्लो करें। 10 मिनट बाद जब आप देखेंगे तो आपकी सब्जी कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब इसमें डालने हैं टमाटर, तो 1 बड़ी साइज़ का टमाटर मैंने चॉप करा हुआ था वो डाला। और ये है हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, ये मैंने 1/2 चम्मच डाला है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको और फिर से इसे हमें ढककर 10 मिनट के लिए कुक करना है। याद रहे गैस की फ्लेम आपको लो ही रखनी है। 10 मिनट बाद आप देखिएगा, अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच गरम मसाला और मिक्स कर लेंगे। और ये जो आपकी बीन्स आलू की सब्जी है पक चुकी है। ये देखिए, आलू भी पक चुके हैं और बीन्स भी पक चुकी है। इस सब्जी को पकने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगते हैं, क्योंकि इसे हम लो फ्लेम पर पकाते हैं। डिलीशियस आलू बीन्स की सब्जी तैयार है। आप इसे पराठा और चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।